युवाओं से बहुत बड़ा जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं तो हमेशा से कहता आया हूँ जो नौजवान हैं उनकी चिंता हमको बहुत ज्यादा करनी चाहिए, और इस प्रकार की जो घटनाएं कभी हुई हैं उस पर जो कदम सरकार ने उठाए उसके अलावा और भी उठाने चाहिए, ताकि जो मैं पहले भी कह चुका हूँ फिर कह रहा हूँ, जो इस पूरे मास्टरमाइंड पूरे षड्यंत्र के उन तक पहुँचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बार बार नौजवानों का अगर विश्वास टूटता है, उनका अगर इकबाल खत्म हो जाएगा सिस्टम के अंदर, तो बहुत बड़ी दिक्कत आने वाली पीढ़ी को आएगी। तो नौजवानों को प्रोत्साहित रखने के लिए, उनके हौसले बुलंद रहें, उनका विश्वास बना रहे इस व्यवस्था के अंदर, ये बहुत जरूरी है। हम सब लोग जाएंगे रायगढ़। चुनाव तो भी मैं कल मेघालय जा रहा हूँ, परसों में कर्नाटक में था, चुनाव वहाँ पर भी है, नागालैंड में भी है और कर्नाटक में मई में होंगे, उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों स्टेट्स के चुनाव है, बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस पार्टी के लिए। और मुझे लगता है कि जो अब तक हम लोगों ने काम किया है, आने वाले 9 महीने बचे हैं, इसमें हम लोगों को पूरी ताकत के साथ उतरना पड़ेगा, और अगर अच्छा तालमेल रहेगा तो ये परिपाटी हम तोड़ सकते हैं। मैंने जो राजस्थान के संदर्भ में अपने सुझाव आलाकमान को दे रखे हैं उस पर कुछ कार्रवाई उन्होंने करी है, और मैं समझता हूँ आगे करने की जरूरत है, और 23 में जो चुनाव होंगे उसमें हम लोग जीत सकते हैं, और आगे क्या करना है इसका निर्णय कांग्रेस पार्टी को करना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी सही समय पर सही निर्णय लेगी। हुई है।